हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू? गुड इवनिंग बोल सकता हूँ। ये मैं जो है ना, वो आप लोगों को स्केच पेन से पेंटिंग तो बनवा दी, लेकिन मैंने जो है ना वो आँख नाक और वो नहीं सिखाई। तो मुझे लगा कि आप लोगों को पहले जो है वो आँख नाक स्केच पेन से और पानी लगा के बता दूँ, जिससे कि आप लोग जो हैं उसको अपने आप कर भी सकें। ठीक है, अभी तो बुद्ध की तो बंद आँखें हैं, उसमें तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपको आँख बनानी पड़ जाती है तो क्या होगा? तो आँख में जो है वो हल्का सा स्केच कर लिया है। ठीक है, अब मैं इसको ब्लैक पेन से, ब्लैक स्केच से वो बताने की वो करूँगा आपको। ठीक है, अब आप देखिए, ये है ब्लैक स्केच पेन नॉर्मल। अब देखिए इसे, ये जो एक पतला स्केच पेन आता है वो भी ले सकते हैं हम लोग। ऐसा नहीं है कि ये मोटा ही लिया जाएगा। मोटा इसलिए मैंने लिया है क्योंकि मेरी वीडियो का टाइमिंग को मुझे थोड़ा सा वॉच करना पड़ता है। आप लोग चाहें तो पतला वीडियो ले सकते हैं और मेरी तरह बनाने की कोशिश करिए ज़रूर, लेकिन स्पीड थोड़ी सी अपनी कम रखिए। अभी आपको लग रहा होगा कि पता नहीं किस टाइप से बनेंगी, लेकिन मैं आपको एक अलग ढंग से आइज बना कर से आइडिया से बना के दिखा रहा हूँ उसको, आप देखिए। अब ये मैंने सिर्फ स्केच से आउटलाइनिंग कर दी है। ठीक है, आउटलाइनिंग ऐसी नहीं करिए जो आर्टिफिशियल हो, मैंने इसको थोड़ा सा जैसे पेंसिल शेड करते हैं उसी टाइप से मैंने इसमें जो है वो किया है। अभी मैं लिप्स और नोज़ भी बताऊंगा इसी में से, लेकिन ये आप ध्यान से देखें कि ये ही आपको आगे काम आएगी। ठीक है, अब देखिए, अब ये सीधे नॉर्मल वाटर है और ये ब्रश है, आप यहाँ पर लेके इसको धीरे धीरे पानी चला सकते हैं इसमें। बहुत खूबसूरत इफ़ेक्ट बनेगा और ये अच्छा है कि मैं आपको सारी चीज़ें इसमें सिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो है थोड़ा इसको सूखने के ऊपर भी थोड़ा सा काम करना होता है। ये देखिए, ये आइस आपकी कंप्लीट। थोड़ा थोड़ा ब्लैक एक्स्ट्रा लगाना है, वो बाद में लगेगा। इस टाइप से आप आइस बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, मैं नोज़, फिर वही चीज़ है कि मैं आपको नोज़ अलग ही बना के सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि आपको जब देखने बैठेंगे तो फिर आपका माइंड जो है वो फेस देखेगा, वो नहीं देखेगा क्या नाम है अलग अलग नोज़। मैं इसके लिए आपको बिल्कुल अलग ही नोज़ सिखा रहा हूँ। यहाँ आएगी, देखिए नोज़ ये है, क्योंकि फिर हमारा माइंड जो है ना वो फेस देखने लगता है पूरा, इन चीज़ों को फिर वो बाकी छोड़ देता है। बहुत ही इजी है, बहुत ही सॉफ्ट है, ये सीधे सीधे नॉर्मल वाटर। अब यहाँ पर फिल करिए और
और ये साइड में करिए, यहाँ पर नीचे, ये भी नीचे, ये भी यहाँ पर भी करेंगे। आप देख सकते हैं कि बहुत ही स्पीड से जो है वो नोज़ कंप्लीट हुई है। अभी एक डिफरेंट टाइप की नोज़ और बता देता हूँ, ये देखिए ये, और फिर यहाँ ये हो जाती है। इसको डेढ़ चश्म बोलते हैं। इस साइड में हाफ है और यहाँ फुल है ये। इसको भी हम वाटर से थोड़ा फिल करेंगे। आप डरे नहीं, आपको जब भी किसी उसमें होता है, एक दो बार इसको ध्यान से देखिए, आपकी समझ में आ जाएगा पूरा। ठीक है, आप कोशिश करिए, एक दो बार कोशिश करेंगे उससे जो है हो जाएगी। मेरी पूरा जीवन का वो है जो मैंने अपना इसके अंदर ही देखा किया है। इसके लिए आपको लगता होगा कि मैं जो है वो फटाफट करता हूँ और हो जाती है चीज़, तो मैं चाहता हूँ आप लोग भी करेंगे तो भी होगी, लेकिन ध्यान से करिए। अब लिप्स को करने के लिए ये, इस नोज़ का लिप्स है। इसको देख, देखिए आपका लिप्स बन गया। एक और लिप्स बना के दिखाता हूँ, वो भी देखिए, ये पॉइंट, ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, ये ऐसे लगाया और इसको यहाँ से उतारा, यहाँ से इसको उतारा, ये दोनों चीज़ें भी यहाँ पर एक भी बनाया, ये इससे ये बन गया। इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है। अब इसको वाटर से फिल करेंगे। ठीक है, ये हो, कान को भी बनाएंगे। देखिए कान, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आप जो वाटर लगा रहे हैं वो धीरे से, कोशिश करिए कि ज़्यादा वाटर ना यूज़ करें, कम ही यूज़ करेंगे। ये देखो बन गया। अब हम थोड़ा सा काम आपको बताते हैं आइज़ के अंदर, वो आप देख लीजिए। यहाँ पर हम इसको डबल करेंगे, बीच वाले हिस्से को और ऊपर वाले हिस्से को, से भी यहाँ पर भी थोड़ा सा दिखाएंगे।
अब ये आइस कंप्लीट हो गई है। ठीक है, आप चाहें तो दोबारा भी उसमें पानी भी लगा सकते हैं और स्केच पेन भी लगा सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं दोबारा भी, मगर वो सूखने के बाद ये ध्यान रखिए। अगर आपने उसमें उस टाइम लगाने की कोशिश करी तो शायद वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये देखिए नोज़ में भी हम दोबारा से थोड़ा थोड़ा डार्क लगा रहे हैं, यहाँ लिप्स में भी, क्योंकि पहली आपकी स्केच पूरे तरीके से पानी में फिल हो जाती है। ये आप देख सकते हैं। देखिए एक और आइज साइड वाली सिखाऊंगा, ये साइड वाली आई और सिखाऊंगा। ये देखिए बस चले तो मैं आप लोगों को रात भर सिखाता रहूं। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है उसमें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ आप लोग जो है उसको सब्सक्राइब करिए और वो करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करिए, शेयर करिए। ये देखिए सारी चीज़ें मैं आपको थोड़ा सा पास से दिखा रहा हूँ। एक एक चीज़ को आप अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करें और फिर बनाने की कोशिश करें, ठीक है? Okay, thank you.